हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी लोगों के समक्ष हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वर्धमान और ह्रासमान, ठीक, जो कि अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें अवकलन का आना अनिवार्य है। तो अवकलन तो आप सभी को आता ही होगा, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे हम दिखाएंगे कि कोई फलन जो है वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। वर्धमान को हम वृद्धिमान भी बोलते हैं। तो पूरी एक एक बात मैं जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में 100% सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को जो है कुछ बेसिक बताते हैं। जैसे देखिए, हमें यहाँ पर इस टॉपिक में ये देखिए दिखाना रहेगा कि कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई फलन दिया है fx, कोई फलन fx दिया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अगर किसी फलन का हमें अवकलन करना होता है तो हम किसके सापेक्ष करते हैं, वह फलन जिसके पदों में होता है। जैसे यहाँ पर एफ एक्स दिया है, तो कोई फलन x के पदों में दिया है तो उसका अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। कोई फलन हमारा t के पदों में दिया गया है तो उसका अवकलन हम t के सापेक्ष करेंगे। थीटा के पदों में दिया गया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये बात तो सभी को क्लियर है ना। तो फंक्शन जिसके पदों में दिया जाएगा उसके सापेक्ष सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है भाई, अवकलन करना है। जो भी फलन दिया जाएगा उसका आपको अवकलन करना है, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स। डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो जो भी फलन दिया जाएगा उसका हम क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, यानी जैसे एफ एक्स फलन दिया गया है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। अब जब एफ डैश एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए ये जीरो है, और जीरो से इधर वाली जो संख्याएं होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, और जीरो से इधर वाली जितनी संख्या होती है वो सारी निगेटिव होती है, यानी जीरो से कम होती और इधर जीरो से अधिक जो मान होते हैं जीरो से अधिक होते हैं। यदि हम किसी दिए गए फलन का एक बार अवकलन करते हैं, और एक बार अवकलन करने पर हमें अगर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो जीरो से क्या प्राप्त हो रही है, बड़ी प्राप्त हो रही है, ठीक है, यानी जीरो से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो हमारा क्या है भाई, वर्धमान है। वर्धमान है या वृद्धिमान है, या वृद्धिमान है। अच्छा, थोड़ा समय दीजिएगा, आपको पूरी बात हम समझा देंगे, ठीक है। अगर हम दिए गए फलन का एक बार अवकलन करते हैं, और एक बार अवकलन करने पर हमें जो है जो नंबर प्राप्त होता है वो जीरो से बड़ा प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो हमारा वर्धमान या वृद्धिमान है, ठीक है। और अगर हमें अवकलन करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो जीरो से कम प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए -5 -3 ऐसे कोई संख्या प्राप्त होती, तो यानी फलन हमारा क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए हम जब फलन का अवकलन करते हैं तो हमें जीरो मिल जाता है, तो फलन कैसा होगा, तो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी कि जो फलन दिया जाएगा उसका एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करने पर यदि हमें जो है कोई संख्या प्राप्त होती है, अभी पूरी बात आगे और भी बताएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स का मान हमें जो है एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि फलन हमारा वर्धमान है, ठीक है, या वृद्धिमान है। और यदि जीरो से कम मान मिलता है, जैसे माइनस में कोई संख्या मिल जाती है, तो फलन हमारा ह्रासमान है। यदि हमें जीरो मिल जाता है तो फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब चलिए, यहाँ पर हम वर्धमान के अंतर्गत दो प्रकार आते हैं, एक वर्धमान और एक निरंतर वर्धमान। और ह्रासमान के अंतर्गत दो चीज आती है, एक ह्रासमान और एक निरंतर ह्रासमान। तो वर्धमान में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्धमान फलन कब होगा और निरंतर वर्धमान फलन क्या होगा। इन सब के बारे में अगर जानकारी आप लोगों ने हासिल कर ली, तो वादा करता हूं कि आप जो है प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ह्रासमान के अंतर्गत हम जानेंगे कि जो ह्रासमान होता है वो क्या होता है, और निरंतर ह्रासमान फलन कब होता है। दूसरी बात हम जानेंगे कि निरंतर ह्रासमान फलन कब होता है और ह्रासमान कब होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया
कि अगर जीरो से बड़ा नंबर प्राप्त होता है एक बार अवकलन करने पर तो फलन क्या होता है भाई, वर्धमान होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर पहले जीरो है फिर जीरो से बढ़ रहा है तो इसका मतलब फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। जैसे यहाँ पर वर्धमान की कंडीशन की बात करें तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी और जीरो से क्या होगी भाई, बड़ी होगी। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी और जीरो के इक्वल होगी, तो जो फलन होगा वो हमारा वर्धमान होगा। क्या होगा भाई, वर्धमान होगा। मान पहले जीरो था फिर जीरो से मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्धमान है। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये बात सभी अभी आपको समझ में आ जाएंगी जब हम एक क्वेश्चन लेंगे, यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू मान लीजिए निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार, जीरो था ही नहीं लगातार जीरो से बढ़ ही रहा है और लगातार अगर जीरो से बढ़ रहा है इसका मतलब ये क्या है, निरंतर वर्धमान। यहाँ पर जीरो के बराबर एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी ही नहीं, निरंतर का मतलब जो है लगातार बढ़ना और लगातार बढ़ने का मतलब जीरो के इक्वल एफ डैश एक्स की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो तब वो फलन वर्धमान होगा, और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो भाई, जीरो से बड़ी हो, इक्वल का चिन्ह न लगा हो, तो फलन आपका निरंतर वर्धमान होगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ह्रासमान की, ह्रासमान का मतलब होता है क्या, डिक्रीजिंग का मतलब घटना, जीरो से कम होना। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल हो जाएगी, तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल लेस देन हो जाएगी, जीरो की इक्वल नहीं होगी, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ये चार बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इन चार बातों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो मैं वादा करता हूँ कि अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा तीन चार, बस आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। वर्धमान ह्रासमान आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ह्रासमान का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो घटना का पहले मान लीजिए जीरो था, अब जीरो से हम घट रहे हैं तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। लेकिन अगर जीरो से हम निरंतर घट रहे हैं तो जीरो के बराबर होगा ही नहीं, यानी हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो से लेस होगी। बस इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बस अभी आपको पूरी बात समझ में आने लगेगी। एक प्रश्न आपके सामने हम लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये आपका है कि सिद्ध कीजिए कि fx, एक फलन दिया गया है fx इक्वल टू 2x+1, ठीक है, r पर निरंतर वर्धमान फलन है। r का मतलब रियल नंबर, r पर निरंतर वर्धमान फलन है। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन एक दो नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको यदि इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत सेकंडों में कर ले जाओगे, अदरवाइज फिर आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू 2x+1 r पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और निरंतर वर्धमान की कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो चलिए, हमने कहा कि जो फलन दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये एफ एक्स बन जाएगा एफ डैश एक्स। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा और 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2। अब देखिए यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, 2 जो है वो एक आपका पॉजिटिव नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है। अब जो ये 2 मान प्राप्त हुआ है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से बड़ी है। आप यहां पर लिखोगे कि चूंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है भाई, बड़ी है, किससे, 0 से बड़ी है, इस कंडीशन की वजह से जो फलन एफ एक्स है, अतः एफ एक्स फलन क्या है भाई, निरंतर वर्धमान है, यानी वृद्धिमान है। मान फलन
हाय, यही चीज आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये भी बनी होगी कि सर जी अगर यहां पर टू ना था, एक्स वगैरह वगैरह लगा होता तो हम क्या करते। तो देखिए यहां पर दिया गया था आर पर निरंतर क्या है, वर्धमान फलन है। आर फॉर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, वास्तविक संख्या देखिए मैं आपको समझा रहा हूं सरल भाषा में। अगर कोई संख्या मान लीजिए अंडर रूट के अंदर लिखी, जैसे माइनस का अंडर रूट माइनस दो लिखा है, अंडर रूट माइनस तीन लिखा है, अंडर रूट माइनस चार लिखा है, या मान लीजिए अंडर रूट माइनस सात लिखा है, चार तो मान लीजिए निकल भी सकता है, लेकिन मान लीजिए माइनस के अंदर कोई माइनस की संख्या कोई भी अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, तो इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या होती है वो सारी आपकी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जीरो के इधर जितनी संख्या है, जीरो की इधर जितनी संख्या है, या जीरो ही ले लीजिए, ये सारी संख्याओं का मान यदि हम यहां पर कोई वेरिएबल होता उसमें रखते, और रखने पर अगर यही कंडीशन मिलती तब हम तब बोलते निरंतर वर्धमान, अगर जीरो के बराबर भी कंडीशन मिल जाती तब हम बोलते केवल वर्धमान। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहां पर 2x होता, ठीक, तो चूंकि r पर निरंतर वर्धमान फलन हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम x का मान क्या करते, हम जीरो पे लिखते, एक रखते तो प्लस का दो मिलता, अगर इधर माइनस रखते तो माइनस का दो मिलता कि नहीं मिलता, अगर जीरो रखते तो जीरो भी मिलता। अब हमको क्या, देखिए अब जीरो मिल गया, जीरो से कम भी हो गया, जीरो के बराबर भी हो गया, इसका मतलब ना तो फलन क्या है भाई, वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है। जीरो मिल गया तो ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हमको जीरो मिल जाता और जीरो के बाद उसके बाद जीरो से अधिक वैल्यू मिल जाती, तो जीरो से अधिक वैल्यू मिल जाती तो ये कंडीशन ग्रेटर देन वाली हो गई, और जीरो के बराबर मिल जाती तो ये वाली कंडीशन होगी, और ये दोनों कंडीशन जैसे आ गए तो वैसे ही फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन मान लीजिए जीरो के बराबर, अब जैसे यहां पर देखिए यहां पर जीरो होने का कोई चांस ही नहीं, एक्स है ही नहीं तो जीरो कभी होगा ही नहीं, हमेशा एफ डैश एक्स का मान क्या है, जीरो से बड़ा है, हमेशा बड़ा, कभी जीरो बराबर नहीं, इसलिए फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एकदम बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को एकदम छोटी छोटी बात अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी देखिए पूरी बात समझ में आने वाली है, स्क्रीन शॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इस टॉपिक की एक क्लास अभी और लेंगे, ठीक है, पूरी प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक की हम हल करा देंगे 6.2, बस आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x - 1 आर पर क्या है भाई, वृद्धिमान फलन है। यहां पर केवल वृद्धिमान है। इस सवाल को भी बहुत गौर से देखिएगा, अच्छी तरीके से मैं एक एक बात को यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए आपको जो फलन दिया गया है पहले स्टेप में आप उसको लिखोगे, कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का 3x और माइनस का 1। दूसरे स्टेप में आप इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो ये आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन 3x² हो जाएगा, 3x² का करोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा क्योंकि x² का 2x होता है, और प्लस 3x का करोगे 3 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। यानी यहां से आपको एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिल गई वो आपको कितनी मिल गई भाई, मिल गई 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। इन तीनों में अगर देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो ये आपको मिल जाएगा x² और 3 दूनी होता है 6 और प्लस का ये आपको मिल जाएगा 1। यहां से और देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। अब कंडीशन यहां पर ये है कि जो ये फलन है ये आर पर वृद्धिमान है, रियल नंबर के लिए वृद्धिमान है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर कंडीशन हम ये लिखेंगे कि अगर देखिए अभी देखा जाए तो यहां पर जो आर है यानी एक्स जो है, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है सभी, एक्स का मान सभी, ये बिलोंग कर रहा है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, किसके लिए भाई, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए।
तो सभी वास्तविक संख्याओं में बिलोंग कर रहा है एक्स का मान, मैंने बताया रियल नंबर पर वृद्धिमान। तो हम यहाँ पर देखिए फलन में हमें कोई संख्या भी अगर यहाँ पर तीन मिल जाता, केवल तीन, तो हम क्या बोलते हैं एक्स का मान जो है वो जीरो से बड़ा है इसलिए निरंतर वृद्धिमान हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के रूप में फलन मिला अभी जो मैंने कंडीशन बताई थी, तो आप क्या करते देखिए एक्स के स्थान पर क्या करोगे कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे। तो जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या के लिए जीरो, जीरो से बड़ी भी कोई संख्या ले सकते हैं, है ना, आप सभी को पता है जीरो से कोई छोटी भी संख्या लेंगे वो भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी। तो जैसे आप सोचिए यहाँ पर एक्स का मान जैसे ही आप यहाँ पर जीरो रखोगे तो चूंकि माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पर आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा और पॉजिटिव नंबर का गुणा अगर आप थ्री से करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, यानी जीरो से बड़ी संख्या ही मिलेगी। अब ये भी चेक कर लीजिए क्या जीरो कोई संख्या मिल सकती है कोई वास्तविक संख्या रखने पर, जी देखिए यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर एक्स का मान एक रख दो तो एक माइनस एक कितना हो जाएगा जीरो, और जीरो का गुणा अगर तीन से करोगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स का जो मान है एफ डैश एक्स का मान जो है वो जीरो के भी बराबर मिल रहा है और जीरो से बड़ा भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो से बड़ा मिल रहा है लेकिन जीरो से छोटा नहीं मिलेगा। आप चाहे रख के देख लीजिए माइनस दो रखो चाहे माइनस तीन रखो चाहे कोई भी संख्या रख के देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा और पॉजिटिव नंबर का गुणा अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो संख्या आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। और पॉजिटिव संख्या होती है वो जीरो से क्या होती है ग्रेटर होती है, होती कि नहीं होती, जीरो से बड़ी होती है। इसलिए यहाँ पर एफ, चूंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी भी है और जीरो के बराबर भी हो रही है, कंडीशन आपको ये मिल रही है। और ये कंडीशन मैंने अभी बताया कि ये कंडीशन किसकी भाई, ये वर्धमान की है यानी वृद्धिमान की है। आता है यहाँ पर जो फलन हो जाएगा, आता है फलन एफ एक्स क्या है वृद्धिमान है, क्या है वृद्धिमान है। आज की क्लास में तो केवल हम वृद्धिमान और ह्रासमान का जो है केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी अगली क्लास और भी लेंगे जो भी टाइप के प्रश्न रह जाएंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पहले इतना तो आप समझिए ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक, जिससे आप लोगों को ह्रासमान वाला भी बात समझ में आ जाए। ह्रासमान की हमने क्वेश्चन नहीं लिया यहाँ पर, तो ह्रासमान के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है। चलिए भाई ह्रासमान का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए प्रश्न ये कहता है दिखाइए कि फलन, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू माइनस का फाइव एक्स प्लस का टू वास्तविक संख्या यानी आर में निरंतर ह्रासमान फलन है, क्या है भाई ह्रासमान फलन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू माइनस का फाइव एक्स प्लस टू वास्तविक संख्या में निरंतर ह्रासमान है। अब निरंतर ह्रासमान का मतलब जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो निरंतर क्या होगी लेस होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी, मैंने अभी आपको ये कंडीशन बताई। तो चलिए सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि जो फलन एफ एक्स दिया है उसको लिखेंगे माइनस का फाइव एक्स प्लस टू। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इसका हम करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का फाइव, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा वन और टू अचर पद का अवकलन हो जाएगा शून्य, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का फाइव। देखिए भाई आपको यहाँ पर प्योर प्योर एक संख्या मिल गई है, कोई वेरिएबल नहीं है, जब कोई वेरिएबल ही नहीं तो हम कोई भी वास्तविक संख्या नहीं रख सकते हैं, एक्स मिलता तभी तो वास्तविक संख्या रख के चेक करते। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या है जीरो से घट रही है, बराबर जीरो के बराबर है ही नहीं, जीरो से घट ही रही है और जीरो से घट रही है, अतः जो फलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फलन निरंतर, निरंतर क्या है ह्रासमान है, ह्रासमान है। तो उम्मीद करता हूं इस छोटी सी क्लास में ठीक है आपको वर्धमान और ह्रासमान का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए आगे भी क्वेश्चन हम बताना चाह रहे थे लेकिन आप इतनी देर से क्लास कर रहे हो आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ की जो लाइट है ठीक है वो जा रही है आ रही जा रही आ रही है ठीक, क्योंकि हम गांव में निवास करते हैं और गांव में लाइट की ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है तो कभी कभी क्लास भी आप लोगों के लिए नहीं अपलोड कर पाते हैं।
ठीक है, आप सभी लोग समस्याओं को समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली 6.2 है, इसके सारे क्वेश्चन करा देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी चैप्टर नहीं आता है वो सारे चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखा करिए और उस पर आधारित क्वेश्चनों को लगाया करिए। एग्जाम आप अच्छे अंकों से जो है पास करोगे, आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।